Hello friends, welcome back to our channel Network Creator. In this video, we will continue about user management in Linux basic command series. Friends, इस video lecture में आपको user management से related हर एक वो command मिलेंगे जो आपको useful होगा. Okay? So, अब इस video में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? पहले हम यहीं पर brief कर देते हैं. जैसे आपको user create करना है. यूजर क्रिएट करने के बाद उनकी इंफॉर्मेशन कैसे चेक करेंगे, कौन कौन सा यूजर आपने क्रिएट किया, उसकी होम डायरेक्टरी क्या है, उन पर कौन सा सेल लगा हुआ है, उस यूजर की आईडी क्या है. आईडी क्या होता है फ्रेंड्स? आईडी एक यूनिक नंबर होता है जिसके थ्रू हम किसी यूजर को आइडेंटिफाई करते हैं. आईडी एंड नेम. ओके, तो कंप्यूटर आईडी को रिकॉग्नाइज करता है. नेम तो होता है, नेम हमारे लिए होता है ह्यूमन रीडेबल. ओके, सो कैसे हम इनको चेंज कर सकते हैं? आप कोई भी यूजर क्रिएट करना है तो विद आईडी, पर्टिकुलर आईडी पर ही यूजर क्रिएट करना है. एंड कितने मेथड से आप यूजर को क्रिएट कर सकते हैं, उनमें उन मेथड्स में डिफरेंस क्या है. ओके, किसी यूजर पर पासवर्ड कैसे सेट करना है, पासवर्ड को चेंज करना है, पासवर्ड डिलीट करना है. ओके, ये सारे कमांड्स हम इन वीडियो में देखेंगे. तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम अपने कमांड्स एंड प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं. फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं करंट यूजर की इंफॉर्मेशन क्रिएट करने से पहले, बिकॉज जब हम यूजर को क्रिएट करेंगे तो उनके प्रैक्टिकल कराने के लिए हमें करंट यूजर की इंफॉर्मेशन चेक करना बहुत ही जरूरी है. तो फर्स्ट आपको एक बेसिक कमांड मैं बताता हूँ, हु. अगर हु आप इंटर करते हो तो कौन सा यूजर है, कहां पर लॉगिन है, ये सारी चीजें, कितनी जगह लॉगिन है, ये सब दिख जाएगा. देखिए, एक यूजर यहां पर लॉगिन है एंड दूसरा क्या दिख रहा है, टीमक्स. ओके, तो ये टीमक्स के बारे में हम आगे देखेंगे. तो यहां भी दो यूजर लॉगिन है, देखिए दो विंडो चल रहा है. तो आप यहां पर कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या है टीमक्स और कैसे चल रहा है. टीमक्स एक बेसिकली वर्चुअल विंडो होता है, तो इसके बारे में हम फ्यूचर में देखेंगे. बट आप अभी देख लो कि हु से क्या होता है, करंट यूजर की इंफॉर्मेशन पता चल जाता है कौन सा यूजर कहां कहां लॉग इन है. आप इसको सिंपल हु स्पेस हाइफन एच भी चला सकते हो, उससे भी आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगा. बट ऊपर ना आपको डिटेल्स मिल जाते हैं कि नेम क्या है यूजर का, वो कितने टाइम पर लॉग इन था, किस डेट को लॉगिन हुआ है. ओके, देखिए आज का ये डेट दिख रहा है जो हम इस करंट टर्मिनल पर लॉगिन है. बाकी ये जो टीमक्स का सेशन है ना, ये देखिए 11:08 9 May 2024 से ये चल रहा है. तो ये है, सारा डिटेल्स मिल जाएगा. इस कमांड की जगह आप हु एम आई ये भी कमांड आप इंटर करोगे तो भी आपको करंट यूजर जो टर्मिनल पर लॉगिन है उसकी इंफॉर्मेशन मिलता है. ओके, एंड हु एम आई के बीच में जो स्पेस है उसकी जगह आप हु एम आई. देखिए लिनक्स में आपको बताया था कि किसी भी कमांड को कंप्लीट करने के लिए आप टैब बटन प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाता है अगर वो सिंगल कमांड होगा. जैसे हु से स्टार्ट होने वाले देखिए इतने कमांड है, हु, हु एम आई, हु इज, ये सब. तो आप इसको आगे बताइए कि मैं हु एम आई, ये आपने प्रेस किया. जैसे देखिए ए टाइप करने के बाद आप टैब बटन प्रेस करते हैं तो हु एम आई आता है. ओके, तो आप इंटर कर दीजिए. ये जस्ट हु एम आई क्या करेगा, बस यूजर की इंफॉर्मेशन देगा जो आपका करंट लॉगिन यूजर होगा. एंड बिफोर हमने देखा हु कमांड, हु हाइफन एच, हु एम आई एंड हु एम आई विदाउट स्पेस. तो ये कमांड से क्या हुआ, हमें करंट यूजर की इंफॉर्मेशन मिल गया. अब फ्रेंड्स हम अपने कोर टॉपिक्स एंड जिस बेस पर हम ये वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, जैसे यूजर मैनेजमेंट, तो यूजर को क्रिएट करने का कमांड. तो फ्रेंड्स, यूजर क्रिएट करने के लिए
तीन कमांड हम यूज करेंगे, सॉरी दो कमांड यूज करेंगे बट मेथड होगा थ्री कमांड, थ्री फोर मेथड से हम यूजर को क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट यूजर एड कमांड हम यूज करेंगे एंड सेकेंड कमांड होता है एड यूजर। ओके, यूजर एंड एंड एड यूजर से हम इन दो मेथड से यूजर को क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंड्स इन दोनों में पहले हम वर्बली समझ लेते हैं कि यूजर एड एंड एड यूजर में क्या डिफरेंस है। जो यूजर एड कमांड होता है बाय डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी क्रिएट नहीं करता। एड यूजर के साथ अगर आप कोई भी यूजर एड यूजर कमांड के साथ क्रिएट करते हो तो आप उस नाम से एक होम डायरेक्टरी में डायरेक्टरी क्रिएट हो जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स यूजर क्रिएट करने से पहले हम होम डायरेक्टरी आपको वेरीफाई करा देते हैं। ll space slash home, देखिए अभी देवेंद्र टेस्ट टेस्ट वन टेस्ट टू टेस्ट ftp ये सभी यूजर क्रिएटेड हैं जिनकी होम डायरेक्टरी यहां पर क्रिएट हुई है। ओके, अगर आप कोई भी न्यू यूजर क्रिएट करते हैं sudo user add, ओके, यूजर एड के साथ एक न्यू यूजर दे देते हैं नेटवर्क। ओके, तो ये क्या करेगा, यूजर तो क्रिएट कर देगा बट इस नेटवर्क के नाम से ना यहां पर कोई भी होम डायरेक्टरी क्रिएट नहीं होगा। करंट यूजर का पासवर्ड आप दीजिए फॉर sudo privilege। देखिए अब इस यूजर को हमें चेक करना है कि नेटवर्क यूजर क्रिएट हुआ है या नहीं। तो किसी भी यूजर को चेक करने के लिए गेट एंट गेट एंट्रीज, गेट एंट स्टैंड्स फॉर गेट एंट्रीज पासवर्ड, हमने किस नाम से बनाया नेटवर्क। देखिए नेटवर्क के नाम से यूजर क्रिएट हो गया जिसकी आईडी क्या है 1005, इसका होम डायरेक्टरी क्या है नेटवर्क बिन sh। क्या ये होम डायरेक्टरी स्लैश होम स्लैश नेटवर्क दिख रहा है क्या, आप ll space slash home करिए। देखिए यहां पर बाय डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी जिस नाम का यूजर होता है उसी नाम से होता है बट यहां पर कोई भी नेटवर्क के नाम की डायरेक्टरी क्रिएट नहीं है। ओके, अगर आप चाहते हो यूजर हम क्रिएट करते हैं उसी के नाम से होम डायरेक्टरी भी क्रिएट हो जाए तो sudo यूजर एड हाइफन m लगा दीजिए आप। किस नाम से बनाना है भाई, हम क्रिएटर कर देते हैं। ओके, देखिए क्रिएटर के नाम से यूजर क्रिएट हो गया। अब हम पहले यूजर को वेरीफाई करा लेते हैं गेट एन पासवर्ड क्रिएटर। देखिए यहां पर क्रिएटर की यूजर आईडी क्या है 1006, नेटवर्क का यूजर आईडी क्या था 1005। ओके, इनके बारे में हम डीप डिस्कशन करेंगे ये आईडी कैसे होता है। आप अपना आईडी भी दे सकते हो वो हम आगे सीखेंगे। ओके, अब इसकी क्या होम डायरेक्टरी हम वेरीफाई करा लेते हैं। देखिए क्रिएटर हमने बनाया था यूजर एड हाइफन एम से, इसने क्या किया होम डायरेक्टरी क्रिएट कर दिया ये क्रिएटर के नाम से। ओके, तो हाइफन एम से क्या हुआ होम डायरेक्टरी भी क्रिएट हो गया। नाउ फ्रेंड्स हम सेकेंड कमांड एड यूजर यूज करते हैं, उसके थ्रू हम एक यूजर क्रिएट करेंगे। एड यूजर डीपी के नाम से एक यूजर क्रिएट करते हैं, इससे क्या होगा। अब देखिए एडिंग यूजर डीपी एडिंग न्यू ग्रुप डीपी। ओके, तो डीपी के नाम से बन गया, यहीं पर इसका पासवर्ड भी प्रॉम्प्ट हो गया। आप पासवर्ड टाइप करिए जो भी आपको देना है रीटाइप। यहां पर फुल नेम हमने बोल दिया, इसका नाम है देवेंद्र प्रताप। ओके, रूम नंबर अगर कोई भी डिटेल्स है तो दे दीजिए, अदरवाइज आप इसको आगे बढ़िए। इज द इंफॉर्मेशन करेक्ट, यस ऑल इंफॉर्मेशन गिवन करेक्ट।
अब यहाँ पर देखिए ll space slash home, होम डायरेक्टरी डीपी के नाम से पहले नहीं था, अब होना चाहिए। क्या है? यस, बिल्कुल है जी, होम डीपी के नाम से होम डायरेक्टरी क्रिएट हो गया है। क्या डीपी नाम का यूजर भी एग्जिस्ट करता है जी? तो गेट एंड पासवर्ड डीपी बिल्कुल एग्जिस्ट करता है जी, जिसकी आईडी 1007 है। ये फर्स्ट 1007 यूजर आईडी होता है, सेकंड जो 1007 है ये ग्रुप आईडी होता है। ओके, अब हम क्या चाहते हैं, ये जो भी हमने यूजर को क्रिएट किया, इन सभी यूजर की कोई फाइल होगी जहां से गेट एंड कमांड इस यूजर्स की इंफॉर्मेशन निकाल कर आपको प्रिंट करा रहा है। ओके, तो हर एक यूजर्स की इंफॉर्मेशन होती है स्लैश ईटीसी पासवर्ड में। देखिए यहां पर आपने यूजर क्रिएट किया था, नेटवर्क क्रिएटर एंड डीपी। ओके जी, यहां पर आपने डीपी में डीपी का फुल नेम दिया था देवेंद्र प्रताप, वो ग्रुप आईडी के बाद जो बाकी नेटवर्क एंड क्रिएटर में डबल कॉलन दिया हुआ है यहाँ पर नहीं है। आप इनको मैनुअली भी दे सकते हो, बाद में भी एंट्री करा सकते हो, कमेंट भी दे सकते हैं आप, तो इसको हम आगे देखेंगे। बट अभी आपको क्लियर हो गया कि यूजर्स की इंफॉर्मेशन कहाँ होगी, स्लैश ईटीसी स्लैश पासवर्ड नाम की एक फाइल होती है वहां पर सेव होता है। ओके, आप इसको ओपन करने के लिए टेल कमांड हमने देखा था, स्लैश ईटीसी स्लैश पासवर्ड टेल कमांड, आई होप कि क्लियर होगा। बेसिक कमांड्स की वीडियो और भी हैं इस प्लेलिस्ट में, आप वहां से इन कमांड्स के बारे में देख सकते हैं। ये देखिए टेल कमांड हमें लास्ट की 10 लाइन दिखा दिया। अब हमें सपोज किसी भी यूजर्स के अब सपोज हमें कोई भी यूजर है, न्यू यूजर क्रिएट करना है। अब हमें कोई भी न्यू यूजर क्रिएट करना है जिसकी आईडी होनी चाहिए 1010। ओके, उसका होम डायरेक्टरी क्या होगा, डीपी होना चाहिए, बट यूजर नेम क्या होगा, डीपीएस। तो उसके लिए हमारी क्वेश्चन आप समझिएगा। अब देखिए हमें फ्रेंड्स यूजर ऐड कमांड के थ्रू कस्टमाइज, जिसके थ्रू हमने अगर हम टेल करते हैं स्लैश ईटीसी स्लैश पासवर्ड, यहां पर देखिए बाय डिफॉल्ट ये सीक्वेंस में यूजर आईडी एंड ग्रुप आईडी सीक्वेंस में जा रहा है, बट हमें कस्टमाइज अपना ग्रुप आईडी एंड यूजर आईडी देना है, कस्टमाइजेशन उसकी होम डायरेक्टरी सेट करनी है। बाय डिफॉल्ट आप देख रहे हो कि कोई भी यूजर आप क्रिएट करते हैं उसके नाम से उसकी होम डायरेक्टरी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है, बट मैं चाहता हूं कि एक दूसरा यूजर नेम हो बट उसकी होम डायरेक्टरी कोई दूसरे का यूज करे। ओके, तो वो आप कैसे करोगे, sudo user add hyphen u, sorry user add hyphen u 1010 इसका यूजर आईडी, एंड होम डायरेक्टरी हम देना चाहते हैं इस यूजर का डीपी दे देते हैं। ओके, स्लैश होम डीपी, इसका जो सेल होगा वो बिन के अंदर बैश होगा। ओके, यूजर नेम होगा डीपीएस। देखिए विदाउट एनी एरर नेक्स्ट पर हम आ गए, इट्स का मतलब ये कमांड एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर आप टेल ईटीसी पासवर्ड करेंगे तो डीपीएस के नाम से क्रिएट होना चाहिए, यूजर क्रिएटेड है जिसकी यूजर आईडी बाय डिफॉल्ट अगर आप देखते हैं ये नहीं दिया होता आपने यूजर आईडी, तो ये क्या करता बाय डिफॉल्ट 1008 उसकी यूजर आईडी सेट कर देता। बट यहां पर हमने बताया उसको कि नहीं भाई आपको यूजर आईडी देना है 1010। ओके, एंड आप जो डिफॉल्ट यूजर के नाम की होम डायरेक्टरी असाइन करते हो ना वो आपको नहीं करना है, मुझे होम डायरेक्टरी चाहिए डीपी का।
आपका यूजर नेम तो होगा बट आपका जो लोकेशन होगा होम डायरेक्टरी वो डीपी होगा जो दूसरा यूजर है। यूजर एड कमांड हमेशा आप देखिए बिन एसएच देता है सेल, बट नहीं मैंने उसको बोला कि जो आपका यूजर होगा ना वो हमें सेल चाहिए बिन बैश, तो यहाँ पर बिन बैश भी मिल गया। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग यूजर को क्रिएट कर सकते हो, उसकी यूजर आईडी दे सकते हैं। ठीक है, su स्पेस डीपी करते हैं, यहाँ पर डीपी का पासवर्ड देंगे, तो देखिए ये होम डायरेक्टरी यूज कर रहा है देवेंद्र का, तो हम cd करके आ जाते हैं बाहर। अब इसका pwd चेक करेंगे तो होम के अंदर डीपी में आ गए। ओके जी, अब इसका who am I चेक करते हैं, तो इसका करंट यूजर की इंफॉर्मेशन मिल गया, किससे आप लॉगिन है डीपी से। ओके, अभी तो हमने यूजर क्रिएट करना देख लिया, अब हम नेक्स्ट पासवर्ड भी देख लेते हैं कि आपने जो लास्ट यूजर क्रिएट किया था टेलीसी पासवर्ड, लास्ट यूजर आपने डीपीएस क्रिएट किया, इसका पासवर्ड तो आपने सेट किया नहीं, तो पासवर्ड सेट करने के लिए sudo स्पेस पास wd कमांड होता है, उसके बाद आप यूजर का नाम दीजिए dps, जो भी आपको पासवर्ड सेट करना है वो आप पासवर्ड टाइप करिए, रीटाइप न्यू पासवर्ड करिए, सक्सेसफुल हो गया। अब यहां पर su-dps करते हैं, DPS यूजर का पासवर्ड इंटर करिए और आप देखिए DPS की होम डायरेक्टरी क्या हमने दिया था, अगर आपको याद होगा तो होम डायरेक्टरी इसका क्या होना चाहिए, home/home/dp, तो pwd करिए आपको /home/dp मिल जाएगा। ओके, एंड कौन से यूजर से आप लॉगिन है who am I से चेक कर लीजिए, DPS से लॉगिन। इस तरीके से फ्रेंड आप किसी भी यूजर को क्रिएट करने के बाद आप उस यूजर को पर स्विच करके आप चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब एक चीज और देखिएगा, हमने अभी तक देखा यूजर को क्रिएट करने का मेथड एंड यूजर पर पासवर्ड सेट करना चेंज करना। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे यूजर की मॉडिफिकेशन। सपोज दैट यहां पर नेटवर्क की होम डायरेक्टरी क्या है, /home/network डिफॉल्ट, बट आप यूजर क्रिएट करने के बाद आपके पास रिक्वायरमेंट आती है जी जो नेटवर्क यूजर है ना इसका होम डायरेक्टरी होना चाहिए डीपी की। ओके, तो डीपी की होम डायरेक्टरी क्या है भाई, /home/dp। तो अब आप इसको चेंज कैसे करोगे, अब बोलोगे जी नहीं अब हम तो ऐसे नहीं कर सकते, हमें डिलीट करना पड़ेगा, फिर नए तरीके से यूजर क्रिएट करनी पड़ेगी क्योंकि हमें तो पता है, ये सारी चीजें नहीं करनी है आपको। आपके पास एक कमांड होता है यूजर मोड कमांड। ओके, यूजर मोड स्पेस -d/home/dp, कि कौन से यूजर का करना है, तो मुझे करना है नेटवर्क यूजर का। फ्रेंड्स इस यूजर से ये क्रिएट नहीं होना चाहिए, एरर आना चाहिए। देखिए क्या आया एरर, DPS इज नॉट इन द sudoers फाइल, बिकॉज हम स्विच करा के यहां पर आए थे, तो किसी भी यूजर को sudoers फाइल में एंट्री या sudoers की परमिशन कैसे देते हैं ये हम नेक्स्ट देखेंगे। तो फॉर द टाइमिंग के लिए हम एग्जिट करके देवेंद्र यूजर पर आते हैं, इसके पास sudoers का परमिशन है, उसके लिए हम sudo स्पेस पहले हम कमांड देख लेते हैं यूजर मोड -d/home/dp, किसको देना है जी नेटवर्क को। नेटवर्क को अभी होम डायरेक्टरी क्या मिला हुआ है /home/network, इंटर करिए, देखिए विदाउट एनी एरर इंटर हो गया है। तो अब हम टेल करके चेक कर लेते हैं /etc पासवर्ड, हमने चेंज करा था किसका नेटवर्क का, तो नेटवर्क का हम चेक कर लेते हैं, देखिए नेटवर्क यूजर की होम डायरेक्टरी चेंज हो गई है। ओके, आई होप अब आप किसी भी यूजर की होम डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हमें
इस यूजर का ना पता नहीं है कि इस यूजर का काम क्या है, क्यों हमने क्रिएट किया है। तो इसके लिए ना आप यूजर को कमेंट दे सकते हो कि यूजर किस पर्पस के लिए मैंने क्रिएट किया है, क्या काम करेगा ये। तो सपोज नेटवर्क यूजर ना नेटवर्क की मॉनिटरिंग करेगा, तो हम इसके लिए कमेंट ऐड कर देते हैं इस यूजर में ही। तो इसके लिए भी सेम कमांड हम यूज करेंगे, सूडो यूजर मोड हाइफन सी, कमेंट जो भी देना है डबल कोट में आप लिख दीजिए, नेटवर्क मॉनिटरिंग स्पेस किस यूजर के लिए देना है। तो हमारा जो यूजर है ना, कौन सा यूजर था जी, नेटवर्क। तो नेटवर्क यहां पर विदाउट यूजर नेम हमने एंटर कर दिया था नेटवर्क। अब आप टेल करके पासवर्ड को चेक कर लीजिए। तो देखिए नेटवर्क में ना आपका ये नेटवर्क मॉनिटरिंग ऐड हो गया। तो ये सेक्शन क्या था, कमेंट हो गया, कि इससे पता चल जाएगा कि जो नेटवर्क यूजर है इसका काम है बस नेटवर्क मॉनिटरिंग का। आगे हम आपको यूजर के रिस्ट्रिक्शन भी बताएंगे, अभी आप बस यूजर से रिलेटेड यहाँ पर हम देख लेते हैं। अब हम यूजर को क्रिएट भी कर लिए, यूजर्स के मॉडिफिकेशन भी देख लिया हमने, यूजर्स पर पासवर्ड भी सेट कर दिया, यूजर्स को स्विच भी करा के हमने देख लिया। अब हम देखते हैं किसी भी यूजर का नेम चेंज करना, नेम को रीनेम करना है, उसके लिए हम क्या देंगे। देखिए डीपीएस को ना हम डीपी सिंह के नाम से देना चाहते हैं, कि ये डीपीएस सही नहीं है, इसका नाम हमें रखना है न्यू नेम डीपी सिंह। उसके लिए आपको कमांड क्या टाइप करना है, सूडो यूजर मोड हाइफन एल, ओके, न्यू यूजर नेम देना है डीपी सिंह, ओल्ड यूजर नेम क्या था डीपीएस, ओके। अब हम दूसरे मेथड से चेक कर लेते हैं, गेट एंड पासवर्ड, अब क्या आएगा डीपीएस या डीपी सिंह। देखिए डीपीएस हमने किया, कुछ भी नहीं मिला, डीपी सिंह करेंगे अब हमें नया मिल जाएगा। डीपीएस की आईडी क्या थी, 1010, डीपी सिंह की आईडी है 1010। आप इसको टेल कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि दो यूजर यहां पर मिलेंगे, सेम जो आईडी था उसी का नाम चेंज हो गया, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब देखिए हम यूजर्स को डिलीट करना भी देख लेते हैं, यहां तक हमने देख लिया। तो यूजर को क्रिएट किया, यूजर मॉडिफाई भी कर लिया, नाउ यूजर को डिलीट करना देख लेते हैं। तो यूजर डिलीट करने के लिए हम कुछ भी अलग नहीं है, यूजर क्रिएट करने के लिए हमने चलाया था यूजर ऐड या ऐड यूजर। तो डिलीट यूजर करने के लिए यूजर डेल एंड डेल यूजर, यूजर डेल एंड डेल यूजर, ये दो कमांड हम यूज करेंगे। सेम यहां भी होगा, अगर हमें यूजर डेल कमांड चलाना है, सूडो यूजर डेल स्पेस यूजर नेम, तो नेटवर्क के नाम से एंटर कर दिया, कैट स्पेस स्लैश etc पासवर्ड करते हैं, तो देखिए नेटवर्क के नाम से ये अब कोई भी यूजर नेम नहीं है, 1005 था अर्लियर अगर आपको याद होगा। तो देखिए नेटवर्क का यूजर आईडी क्या था, 1005, ओके। नाउ अब हम डीपी सिंह को डिलीट करना चाहते हैं। देखिए जो यूजर डेल है ना, इससे होम डायरेक्टरी डिलीट नहीं होती है, अगर आप स्लैश होम को वेरीफाई कर लीजिए तो देखिए होम डायरेक्टरी देवेंद्र, सॉरी देवेंद्र को मत टच करिएगा, बिकॉज आप देवेंद्र पर ही लॉग इन है, क्रिएटर एंड डीपी, इन दो को हम एक को डिलीट करते हैं यूजर डेल से। यूजर डेल, इनकी होम डायरेक्टरी डिलीट करनी है, सूडो यूजर डेल हाइफन आर, आर फॉर रिकर्सिवली, क्रिएटर, क्या मिस्टेक, ओ सॉरी, सूडो ई, ई हटा दीजिए, एलएल स्पेस स्लैश होम करिए, यहां पर क्रिएटर अब नहीं है, पहले था। तो अगर होम डायरेक्टरी भी डिलीट करनी है तो आपको हाइफन आर यूज करना है, अदरवाइज नेक्स्ट कमांड है सूडो डेल यूजर डीपी, इंटर कर दीजिए। ये देखिए रिमूविंग यूजर डीपी,
डन। अब आप पहले होम डायरेक्टरी चेक कर लेते हैं, स्लैश होम डेल यूजर नेम। क्या करा, यूजर को तो डिलीट कर दिया, रिमूविंग यूजर डीपी ग्रुप डीपी ये रिमूव कर दिया, ओके। बट इसकी होम डायरेक्टरी डिलीट नहीं किया, उसके पहले हमने कमांड में यूजर डेल हाइफन आर क्रिएटर किया, इसने क्रिएटर की होम डायरेक्टरी तक भी डिलीट कर दिया, ओके। इस केस में डेल यूजर आप करते हो तो आपको मैनुअल डिलीट करना पड़ेगा, ओके। तो एक बार यूजर को भी हम वेरीफाई करा लेते हैं, टेल स्पेस स्लैश etc पासवर्ड। देखिए डिलीट हो गया ना, यूजर तो डिलीट हो गया बट इसकी होम डायरेक्टरी नहीं डिलीट। तो आई होप कि क्लियर होगा यूजर डेल एंड डेल यूजर। आपको हाइफन आर यूज करना है अगर होम डायरेक्टरी भी डिलीट करनी है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको यूजर मैनेजमेंट से रिलेटेड हर एक वो कमांड पता चल गई होंगी जो आपके लिए यूजफुल है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अब आने वाले वीडियो में हम इसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए नेक्स्ट यूजर से रिलेटेड, ग्रुप से रिलेटेड और भी वीडियोस आएंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।